वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी का 24 तारीख को जितने भी लोग पेट वाले हैं सभी लोग एकदम शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं, बड़े मजे के साथ तैयारी कर रहे हैं और 24 तारीख को वहां पे धुआंधार तरीके से परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। और जाहिर सी बात है सभी लोगों का जल्दी जल्दी उसमें कह सकते हैं जो आप लोगों ने सोचा है अपने लिए वो सभी लोगों को जरूर मिल जाएगा। अब यहां पर उसी कड़ी में मैं आपके लिए कुछ फॉल्ट्स लेकर आया हूं जो एरर डिटेक्शन यहां पे मैं करवा रहा हूं, इनको जरूर समझिएगा और इन्हीं के बेसिस पर कुछ और फॉल्ट्स भी पूछी जा सकती हैं। और एक बात, मान लीजिए आपने अगर पेट में नहीं डाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये एसएससी में काम नहीं करेंगी, सीजीएल में काम नहीं करेंगी, सीडीएस में काम नहीं करेंगी, हर जगह पर ये फॉल्ट्स काम करेंगी। सो प्लीज एरर डिटेक्शन को अच्छी तरीके से अपने माइंड में कवर कर लीजिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई ज्यादा हो गया तो ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो मत होने दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू फॉर यू। कोई भी सेंटेंस हो अगर उसमें फॉल्ट हम अवेलेबल कराई गई है या उसमें फॉल्ट दी गई है तो हमें एक तरफ से सेंटेंस को पढ़ते हुए चलना है और हर एक चीज को नोटिस करना है कि वहां पर वास्तव में यो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखें, दिस इज द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट लगा है द के पहले, मतलब बेस्ट के पहले द लगा है, सही है, बिल्कुल सही है, थिंग सही है, विच आई कैन डू फॉर यू। अब यहां पर मुद्दे की बात फंसेगी इसमें, दिस इज द बेस्ट थिंग, थिंग के लिए तो विच लगता ही लगता है, तो भाई गलत कैसे हुआ? हाँ हाँ जी, गलत कैसे हुआ, सही, बहुत सही पकड़ रहे हैं आप लोग, यहां पर होना चाहिए दैट। अब क्यों होगा दैट, दैट क्यों सही होगा? याद रखिएगा कि अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो उसके बाद विच यूज नहीं होता है, ऑल आ जाए, नन आ जाए, इस तरीके से आ जाए तो उसके बाद आपको विच ना यूज करके उसके बाद आपको दैट यूज करना होगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, कंजंक्शन रिलेटेड फॉल्ट है, तो 99% विच ही आपके लिए वहां पर अपना फोटो खिंचा रहा होगा, बस उसको खींच लेना, बस उसकी जगह पे दैट होना होगा। तो इसका मतलब अगर इसकी बात करें तो कौन सा पोर्शन इनकरेक्ट रहा, बी पोर्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट रहा, आगे बिल्कुल सही है। The principal ordered the peon to let the boys and I go in. The principal ordered the peon. देखें, the principal प्रधानाचार्य ने order दिया, किसको दिया? The peon को, बिल्कुल सही है। To से जुड़ा sentence, बिल्कुल सही है। To के बाद let, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मतलब यहां तक कोई भी इसमें error नहीं है। अब आगे देखते हैं, the boys and I, मुद्दे की बात यहां पर फंसेगी। अब देखिए, the boys and I, कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट कर दिया जाता है, बड़ी खूबसूरती से आपके सामने एक मिस्टेक रखी गई है। तो अब इसको कवर कैसे करेंगे, यहां पर क्या होगा, बॉयज सही है, ठीक है, नाउन कहीं पर भी आ सकता है, अपनी जगह हर जगह पर बना सकता है, लेकिन जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का उसकी अपनी जगह होती है। अगर वर्ब के बाद वो काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां पे ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। अगर लेट की बात करें तो लेट भी एक फंक्शन जो इसका वर्ब का है, दैट्स वाई यहां पर आई नहीं होना चाहिए, जी हाँ यहां पर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। देखिए कितना अच्छी तरीके से पॉड आपके सामने रखी गई, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज एंड मी गो, आई गो नहीं, ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लो कोई प्रिपोजिशन से कोई अगर मान लो जुड़ा हुआ है, कोई केस जुड़ा है, तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स, इंडिया इज बेटर देन, आप लोगों को डिग्री का वीडियो, डिग्री का नहीं डिग्री के मैं कहूंगा क्योंकि 4 वीडियोज मैंने डिग्री से रिलेटेड बनाए हुए हैं। सो प्लीज पेट में पेपर देने से पहले वो 4 वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, 1 by 1 देखिएगा, बहुत मजा आएगा और नॉलेज आपका एकदम बूस्ट हो जाएगा। अब वहां इस सेंटेंस में उसी से फॉल्ट पूछी गई है या उसी से फॉल्ट आई है। अब इंडिया इज बेटर, कोई दिक्कत नहीं है, बेटर यूज हो जाएगा, देन आ रहा है, मोस्ट अदर, क्या फॉर्मूला बताया गया था, नो अदर देन एनी अदर, द वेरी फ्यू देन मोस्ट अदर, वन ऑफ द। अब देखिए कहां पे गड़बड़ी है, देन मोस्ट अदर प्लूरल में है तो, लेकिन यहां पे अदर्स नहीं होगा, इसका मतलब कौन सी पोर्शन कौन सा गलत है, इसका बी पोर्शन गलत है, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। अब इसके बाद, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस एंड फाउंड द कपल मिसिंग। देखिए अपोस्ट्रोफी एस में खूब ये रट्टा लगवाया जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखा, प्लीज उसको विजिट कीजिएगा, देखिएगा जरूर, अभी कुछ ही दिन पहले डाला हुआ है।
तो उस वीडियो में मैंने बताया है डबल अपोस्ट्रोफी एस का यूज भी किया जाता है, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं उनके साथ में। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी है, सिंपल सी बात है, सेंटेंस गलत है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इसका यहाँ पे आपको रूल भी बताऊंगा। अगर कभी कभी डबल अपोस्ट्रोफी एस आपके सामने आए तो उसको धड़ल्ले से आप एक अपोस्ट्रोफी एस मत हटाइएगा, उसमें मुद्दे की बात समझिएगा। देखो यहाँ पर यह कहा जाता है अगर किसी वस्तु पर सेपरेट पोजीशन शो किया जा रहा है, मतलब अलग अलग पोजीशन शो किया जा रहा है, मतलब अलग अलग वस्तुएं हैं उस पर अलग अलग व्यक्ति का जो अधिकार है, तो उसके लिए डबल अपोस्ट्रोफी एस यूज होता है। और अगर एक ही वस्तु है और उस पर अगर दो व्यक्तियों का अधिकार है तो उसके लिए डबल अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगना चाहिए। उसमें क्या करना है ध्यान से समझिएगा, मुद्दे की बात समझिएगा, उसमें क्या करना है जो बाद में नाउन आ रहा है उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा। और ये पहचानोगे कैसे कि ये सिंगुलर है, मतलब एक चीज पर पोजीशन है या दो चीजों पर है या कई चीजों पर है, वो उस वाक्य में कहीं ना कहीं पर आपको क्लू जरूर दिया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक ऐसा वर्ड है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि एक ही चीज पर अधिकार है, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, मतलब घर एक है, वरना यहाँ पे क्या होता, हाउसेज होता, दैट्स वाई एक घर है ना, एक घर है। तो अब हम यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगाएंगे तो वो किस पे लगाना सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब पोर्शन कौन सा हमारा गलत हुआ, इसमें ए पोर्शन गलत हुआ। आई होप आप लोगों को ये एरर डिटेक्शन बड़ा समझ में आएगा, बहुत मजा आ रहा होगा। अब इसके बाद यू ही एंड आई मस्ट बैग सॉरी फॉर अ मिस्टेक। यू ही एंड आई, सभी लोगों ने खूब जम के पढ़ रखा है कि हमेशा, सभी लोगों ने पढ़ के रखा है कि हमेशा आपको यूज करना होगा 231, मतलब ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन, सभी ने पढ़ के रखा होगा ज्यादातर। तो देखिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तो क्या मैं इसको नो एरर कह दूं? जी बिल्कुल नहीं, इसमें एरर है। अब मुद्दे की बात समझिए कैसे एरर है। अब अगर ये स्थिति आती है कि कहीं पर कोई अपराध बोध किया जा रहा है, कोई अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, कोई गलती है, कोई दोष है, कोई पाप है, तो उसके लिए कभी भी आप 231 यूज नहीं करेंगे। उसके लिए हमेशा उसका क्रम रहना चाहिए 123, मतलब फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन उसके बाद, थर्ड पर्सन उसके बाद। और अगर नॉर्मल सी चीजें हैं, कोई अपराध बोध नहीं है, कोई पाप नहीं है, तो वहां पर आप 231 यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस क्लियर करेगा भाई कि उसमें 231 यूज होना है या 123 यूज होना है। अब देखिएगा फॉर और मिस्टेक, गलती है, गलती को एक्सेप्ट करना है, गलती के लिए सॉरी बोलना है, गलती हुई, अपराध बोध है, क्यों सॉरी बोला जा रहा है, अपराध बोध है, इसलिए यहां पर हमें 231 के फॉर्मूले को क्रैक कर देना है, हमें वहां पर यूज करना है 1, 2, 3। तो इसको हम जब कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, फर्स्ट नंबर आई है, यू एंड ही, आई, यू एंड ही मस्ट बैक सॉरी फॉर अ मिस्टेक। आई होप ये क्लियर हुआ। तो इसमें कौन सा पोर्शन रॉन्ग रहा, ए पोर्शन। देखो यहां पे मैं आपको फॉल्ट के साथ में पोर्शन कौन सा गलत है उसके साथ में रूल भी बता रहा हूं, सो प्लीज रूल को ध्यान से समझिएगा। दिस इज माइन कार विच इज योर, ऑब्वियसली गलती है इसमें, दिस इज माइन कार। अब माइन क्या है, माइन हमारा जो है पजेसिव केस है या पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं, सॉरी पजेसिव प्रोनाउन है यहां पे। अब योर क्या है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके साथ में नाउन जरूर आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन चूंकि खुद नाउन की जगह पर काम कर लेता है इसलिए उसके साथ में नाउन नहीं आएगा। आई होप बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये मुद्दा यहां पर क्या उठा, दिस इज माइन कार। अब अगर इसको मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूं, समझिएगा जरा, दिस इज माइन कार, तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, दिस इज माई कार, ठीक है, दिस इज माई कार विच इज योर्स। अब इसको हमने जो है प्रोनाउन के रूप में, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दिस कार इज माइन विच इज योर्स, दिस कार इज माइन विच इज योर्स, ये कार मेरी है, तुम्हारी कौन सी है। आई होप यहां तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुका है कि पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में नाउन जरूर लगाना होगा और पजेसिव प्रोनाउन के साथ में कोई भी नाउन नहीं रहेगा।
ठीक है, आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया है। जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।